हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क जीके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई मंथ की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, GST दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर ऑप्शन ए 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया गया था और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये इंपॉर्टेंट डे हैं जो पूरी जुलाई में मनाए गए, ठीक है, याद कर लेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद कर लेना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे पेन प्रिंटर प्राइज़ 2023 प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माइकल रोसिन। माइकल रोसिन को पेन प्रिंटर प्राइज़ 2023 प्रदान किया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे माइकल रोसिन, ठीक है, और उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? प्रिंटर पुरस्कार 2023। और क्या नाम है? माइकल रोसिन। क्वेश्चन है, डूरंड कप के 132वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कोलकाता। कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। कौन सा है ये संस्करण? 132वां। और कौन सा कप है? डूरंड कप, ठीक है। भारत के सबसे पुराने टूर्नामेंट डूरंड कप का 132वां संस्करण 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कोलकाता में शुरू होने वाला है। किसको पॉइंट ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह धट्ट। राजेंद्र सिंह धट्ट को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे? पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से, याद कर लेना, आ सकता है। 101 साल के व्यक्ति राजेंद्र सिंह धट्ट को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सनक ने, किसने? ऋषि सनक ने पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है किसे? किया है राजेंद्र सिंह धट्ट को। और कितने साल के? 101 साल के हैं। किसने? ऋषि सनक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन तरंग शक्ति का अभ्यास आयोजन करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना इसका सही आंसर है। कौन तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन करेगी? भारतीय वायुसेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसकी पेंटिंग को $108 मिलियन में नीलाम किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुस्ताफ क्लिम्प्ट। बी इसका सही आंसर है गुस्ताफ क्लिम्प्ट, ठीक है। इनकी पेंटिंग को $108 मिलियन में नीलाम किया गया है। गुलाब क्लिम्प्ट जो द किस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑस्ट्रिया देश से हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद। ए इसका सही आंसर है, कहाँ किया गया है? अहमदाबाद। और किसने किया? अमित शाह ने किया है। किसने? अमित शाह ने साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन किया। किसने किया? अमित शाह ने किया है। कहाँ पर? साबरमती रिवर फ्रंट पर। और नाम क्या है? अक्षर रिवर क्रूज, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 23वें संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। किसने की है? भारत ने की है। 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने की है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देख लेते हैं। SCO की फुल फॉर्म है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है और सेक्रेटरी जनरल व्लादिमिर नोरोव हैं। महासचिव हैं झांग मिंग और सदस्य हैं 9। कितने सदस्य हैं? 9। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस,
कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, और अभी हाल ही में ईरान को शामिल किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। अभी पूछ सकता है कि किस नए देश को SCO में शामिल किया गया है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन आए तो आंसर लगाना ईरान को। किसे? ईरान को। हाल ही में ईरान को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही आंसर है। कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने रिपोर्ट फिश डिसीज RFD ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, एकामारा परियोजना किस राज्य की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। किस राज्य की है? उड़ीसा की है। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। एकामारा परियोजना कहाँ की है? उड़ीसा की है। और उड़ीसा से संबंधित कुछ और योजना है वो देख लेते हैं। देखिए, जो मंगल जामी योजना, याद कर लेना, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, जो जंगल जामी योजना, अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा, अमा पोखरी योजना, मिशन शक्ति स्कूटर, ये सभी अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं, याद कर लेना, ये सभी उड़ीसा की योजनाएँ हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पारका चिक ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। बी इसका सही आंसर है। पारका चिक ग्लेशियर कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और पारका, ये अभी खबरों में इसलिए आया है क्योंकि बहुत तेज़ी से पिघल रहा है, जिसकी वजह से पारका चिक ग्लेशियर के आसपास 3 झीलें बन चुकी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कभी आ जाए एग्ज़ाम में पारका चिक ग्लेशियर कहाँ है, तो ये है लद्दाख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बचपन में मधुमेह और उससे होने वाली मौतों के मामले में कौन सा देश दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बचपन में मधुमेह और उससे होने वाली मौतों के मामलों में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर है? भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेटा या फिर फेसबुक। ठीक है, मेटा का ही दूसरा नाम है फेसबुक। देखिए, पहले फेसबुक था लेकिन अब उसका नाम चेंज करके कर दिया है मेटा। किसने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है? मेटा ने। थ्रेड्स ऐप 5 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है और मेटा की स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। मेटा के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश ने IMF से $3 बिलियन कर्ज लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने लिया है, कितना लिया है? $3 बिलियन, और किससे लिया है? IMF से। देखिए, यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा आपको लगाना है। ठीक है, अगर ये बोले कि पाकिस्तान ने किससे लोन लिया तो IMF होगा, और कितना लिया है? 3 बिलियन लिया है। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आए तो कवर हो जाएगा। और IMF की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। IMF के CEO हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, जो जर्मनी की हैं। हेडक्वार्टर है Washington DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुषार मेहता। तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। अटॉर्नी जनरल पूछा जाए तो कौन है? R. Venkat रमणी। किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 76 में। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये हमारे कैग हैं, और इनका आर्टिकल है 148, याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2023 में फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की हालिया रैंकिंग क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100। ठीक है, कितनी है? 100 है। 2023 में फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की हालिया रैंकिंग क्या है? 100 है, याद कर लेना। जो फीफा रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना फर्स्ट नंबर पे है, भारत की रैंक है 100। ठीक है, और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में, और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्य सेन। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। कौन सा जीता है कनाडा ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब? लक्ष्य सेन ने ली सिंगफेंग को हराकर कनाडा ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसे हराया? ली सिंगफेंग को। और किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस संस्था ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंकटाड। बी इसका सही आंसर है अंकटाड। किस संस्था ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंकटाड। और अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। कभी थी? 30 दिसंबर 1964 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महासचिव है रेबेका ग्रीन स्पैन, रेबेका ग्रीन स्पैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाटो का प्रमुख कौन बना? नाटो का प्रमुख कौन बना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ए इसका सही आंसर है। नाटो के प्रमुख कौन बने दोबारा से? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और जो नागोजी ओकुंजो हैं WTO के प्रमुख हैं, अजयवंगा वर्ल्ड बैंक के हैं, टेड्रोस एडहनॉम WHO के हैं, याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT किस देश में बन रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तंजानिया जंजीबार, ठीक है। जंजीबार, तंजानिया के जंजीबार में। भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT किस देश में बन रहा है? तंजानिया के जंजीबार में। और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। राष्ट्रपति है सामिया सुलह हसन। राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलह हसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स PGID की रिपोर्ट प्रकाशित की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स PGID की रिपोर्ट प्रकाशित की है? शिक्षा मंत्रालय ने। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। PGDI रिपोर्ट की सहायता से राज्य शिक्षा जिला स्तर पर कमियों की पहचान करना और विकेंद्रीकृत तरीकों से प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता करना इस रिपोर्ट का काम है, ठीक है। क्या काम है? राज्य जिला स्तर पर कमियों की पहचान करना और विकेंद्रीकृत तरीकों से प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, बिल्सन लिटिल पेंगुइन के अवशेष किस देश में खोजे गए? क्वेश्चन नंबर 32 है, बिल्सन लिटिल पेंगुइन के अवशेष किस देश में खोजे गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। सी इसका सही आंसर है। बिल्सन लिटिल पेंगुइन के अवशेष किस देश में खोजे गए? न्यूजीलैंड में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस हिपकिंस है। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फॉक्सीन गैस की खोज की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शुक्र। किस ग्रह पर की है? शुक्र पर। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फॉस्फीन गैस की खोज की है? शुक्र ग्रह पर, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखिए, और शुक्र ग्रह के निचले इलाकों में ये गैस खोजी गई है और इस गैस का शुक्र में मिला वहाँ जीवन के संकेत को दर्शाता। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रांस कब राष्ट्र दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तिल दिवस भी कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 जुलाई को, ठीक है। 14 जुलाई को फ्रांस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तिल दिवस भी कहते हैं। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस की मुद्रा है यूरो, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, AI फॉर फूड ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 है, AI फॉर फूड ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जिनेवा। बी इसका सही आंसर है जिनेवा, ठीक है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 36 है, चंद्रयान 3 को इसरो ने कब लॉन्च किया है? चंद्रयान 3 को इसरो ने कब लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023 को। कब? 14 जुलाई 2023 को। देखिए, चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद चंद्रयान 3
2023 में लॉन्च किया गया है। और ये कैसा है? अन्वेषण मिशन है। कैसा? अन्वेषण मिशन, ठीक है। और इसके लैंडर का क्या नाम है? विक्रम। रोवर का नाम है प्रज्ञान, ठीक है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, इस मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो ने LV-M3-M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया, जो कि इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में से एक है। कौन सा रॉकेट? LV-M3-M4 रॉकेट का, ठीक है। LV-M3-M4 रॉकेट का यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में खबरों में रही PBWRS-1 किस फसल की नई किस्म है? PBWRS-1 किस फसल की नई किस्म है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गेहूँ। गेहूँ इसका सही आंसर। हाल ही में खबरों में रही PBWRS-1 किस फसल की नई किस्म है? गेहूँ की। क्वेश्चन नंबर 38 है, के पूजा उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, त्रिपुरा। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। के पूजा उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री है माणिकसा, राज्यपाल है रमेश बैस, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस संस्था ने हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस नामक पुस्तक तैयार की है? हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस नामक पुस्तक किस संस्था ने तैयार की है? तो तैयार की है FSSAI ने। किसने? FSSAI ने। सी इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। CEO हैं श्री गंजी कमलावी राव। कौन है CEO? श्री गंजी कमलावी राव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कास पठार जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में है? कास पठार जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मंगोलिया। किसके बीच? मंगोलिया के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक सैन्य अभ्यास है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, मंगोलिया की कैपिटल है उलानबटोर और करेंसी है टोगरो। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर है। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? गुजरात में शुरू हुआ है, ठीक है। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 43, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की पहली कैनविस भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है, ठीक है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कनाडा की फर्म इंडस्कैन के सहयोग से शुरू की गई है इस कैनविस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य न्यूरोपैथी कैंसर मिर्गी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनविस की औषधीय क्षमता का पता लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे सिवाय स्पार्क जीके के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली क्लास होती है 8:30 बजे जीके की, इसमें हम काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। तो डेली आना 8:30 बजे, और क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस राज्य ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ए इसका सही आंसर है। किस राज्य ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल। मुख्यमंत्री, देखिए इनकी दो और योजनाएं हैं जो बहुत फेमस है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और दूसरी है लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 46 है, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा बेची जाने वाली सब्सिडी वाली चना दाल का ब्रांड नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत दाल। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत दाल। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा भारतीय शहर पुस्तकालय महोत्सव 2023 की मेजबानी करने जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। ए इसका सही आंसर है, कौन सा भारतीय शहर पुस्तकालय महोत्सव 2023 की मेजबानी करने जा रहा है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राकेश पॉल। ठीक है, ए इसका सही आंसर है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? राकेश पॉल को। और इंडियन ICG की फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, भारतीय तटबल कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडियन कोस्ट गार्ड। स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय विपक्षी राजनीतिक दलों ने 2024 चुनाव के लिए किस नाम से नया गठबंधन बनाया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया नाम से बनाया है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, आई से है इंडियन, एन से है नेशनल, डी से है डेवलपमेंट, आई से इंक्लूसिव और ए से है अलायंस। और भारत में 26 विपक्षी राजनीतिक दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDU से मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठबंधन किया है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन कर रहे हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर दोनों। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 51, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? क्वेश्चन है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मालदीव। किसने की है? मालदीव ने की है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? मालदीव ने की है। ठीक है, और मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, किस केंद्रीय मंत्रालय ने यस टैक मैनुअल और विंस पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा? यस टैक मैनुअल और विंस पोर्टल लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने यस टैक मैनुअल और विंस पोर्टल लॉन्च किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने किसानों की बीमा के लिए बिन्स पोर्टल एड ऐप यस टैक ईटी लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आयुष भव कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इस अभियान का क्या लक्ष्य है? इसका उद्देश्य है सभी स्वास्थ्य योजनाओं की कवरेज सुनिश्चित करना, जिससे कोई भी पात्र लाभार्थी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस का नाम क्या है जिसके संबंध में CERT इन ने एडवाइजरी जारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अकीरा। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए जो वायरस है अकीरा, ये क्या करता है पता है? विंडोज़ और लाइनक्स आधारित सिस्टम को लक्षित करता है और व्यक्तिगत जानकारी चुराता है और जबरन वसूली योजना के माध्यम से पीड़ितों से पैसे निकलवाने के लिए उनका डेटा इनक्रिप्ट करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी याद कर लेना अच्छे से। देखिए ये हो चुका है पहले, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है,
भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। भायखला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। और भायखला रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। या आप याद कर लेना, भायखला रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है और ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कंजक्टिवा की सूजन। सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आजकल आई फ्लू बहुत फैल रहा है तो इसको देख लेना, ठीक है, किससे फैल रहा है ये तो पता ही होना चाहिए। आई फ्लू एक वायरस इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, जिसे मेडिकल की भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस। क्वेश्चन नंबर 59 है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस अंतरालय का पहला अभियान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। बी इसका सही आंसर है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय का पहला अभियान है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का। बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रतन टाटा को। किसे? रतन टाटा को। क्वेश्चन नंबर 61 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, नई स्वर्णिम योजना। बी सही आंसर है, नई स्वर्णिम योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अजीत पवार। कौन बने हैं? अजीत पवार। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अजीत पवार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, 2023 में INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कौन है, कौन सा है? इनसे हो जाएगा इंडिया और एफ एन से हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। और ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। अभ्यास में जो भारतीय जहाज थे वो थे INS राणा और INS सुमेधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, चेन्नई। कहाँ की गई है? चेन्नई में की गई है। भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? चेन्नई में की गई है। और देखिए, चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर हैं A.R.N. रवि। कौन? N. रवि। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। कौन बना? न्यूजीलैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवीन पटनायक। कौन बने? नवीन पटनायक बने। और कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। किस नंबर के बने हैं? दूसरे लंबे, दूसरे। ठीक है, याद रखना, दूसरे नंबर के। अगर दूसरे ही हैं तो पहले कौन है? तो देख लीजिए, इसमें है सब कुछ। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? पवन कुमार चामलिंग। और कहाँ के थे ये? सिक्किम के थे। कितने वर्ष तक बने? 24 वर्ष 205 दिन। ठीक है, सबसे लंबे कौन है? पवन कुमार चामलिंग। और सेकंड नंबर पर उड़ीसा के नवीन पटनायक, 23 साल 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत ने किसी दूसरे राज्य दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, और इसके बाद कौन है? उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के रिकॉर्ड को 23 वर्ष 137 दिन पीछे छोड़ दिया है। तीसरे नंबर पर ज्योति बसु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67 है, वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शहडोल मध्य प्रदेश से। कहाँ से किया? शहडोल मध्य प्रदेश में।
किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया। कौन सी? सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? शहडोल मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 68 है, फुटबॉल टूर्नामेंट SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने। किसने जीता? भारत ने जीता है, ठीक है। और SAFF कैसी SAFF फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये किसने जीता? भारत ने जीता है। किसे हराकर? कुवैत को हराकर। किसे हराया? कुवैत को हराया। किसने जीता? भारत ने जीता। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, खेल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश। जो खेतों की मेड़ होती है वहाँ पर सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी। कैसी? सोलर फेंसिंग, यानी कि सोलर बाड़ लगाई जाएगी, ठीक है। सोलर फेंसिंग बिना नुकसान पहुँचाए जानवरों को खेतों से दूर रखेगी। इसमें 12 वोल्ट का करंट होगा जो पशु और मानव दोनों के लिए नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। नुकसान नहीं देगा 12 वोल्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, याद कर लेना। भारत की, क्योंकि ये पहली है ना, इसलिए याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? गुजरात में, से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार? एनी पुरस्कार है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, थलप्पी प्रदीप। किसे? थलप्पी प्रदेश को, थलप्पी प्रदीप को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है? अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। और कौन देता है ये? और एनी पुरस्कार कौन देता है? तो एनी पुरस्कार अवार्ड को ऊर्जा फ्रंटियर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। किसमें? ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसे इटली की तेल और गैस कंपनी एनी द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चंबल नदी, राजस्थान। कहाँ पर? चंबल नदी, राजस्थान। कोटा में बना ये हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट 1200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। कितनी? 1200 करोड़ की लागत से। और कहाँ पर? चंबल नदी के दोनों किनारों पर बेहद खूबसूरत तरीके से 6 किलोमीटर तक बनाया गया है। चंबल रिवर फ्रंट भारत में विकसित पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है, ठीक है, पहला है। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस देश ने कंप्यूटर के लिए ओपन केलिन नामक अपना घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, पहली ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने। किसने जीता है? त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने। बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, समुद्री अभ्यास जिम मैक्स 23 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? कौन सा अभ्यास है? जिम मैक्स 23 किसके बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, भारत और जापान के बीच। समुद्री अभ्यास जिम मैक्स 23 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत और जापान के बीच। क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है? सो गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, किसने? राजस्थान है, राजस्थान इसका सही आंसर है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान ने। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का उद्देश्य प्रमुखता निम्न आय वर्ग की महिलाओं, श्रमिकों, अनुसूचित वर्गों, हस्तशिल्पों, कलाकारों, केश कला कारीगरों, मिट्टी कला शिल्पकारों और घुमंतू परिवार के युवाओं की आर्थिक सहायता करना है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर लीसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उड़ीसा के प्राइवेट न्यूज़ एंकर उड़ीसा TV ने लीसा नामक की कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, जितने भी नए जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहली बार हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना और डेली क्लास होती है 8:30 बजे ज़रूर आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है,
वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 126वें स्थान पर रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत 126वें स्थान पर है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड है। और सबसे आखिरी स्थान पे कौन है? अफगानिस्तान, जिसका स्थान है 163वां। भारत के पड़ोसी जो देश हैं, नेपाल की रैंकिंग कितनी थी? 79, चीन की 80वीं और श्रीलंका की 107, बांग्लादेश की 88 और भूटान की 70वीं रैंकिंग रही है। ठीक है, और कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, और इसके कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 79 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अमेरिका। ए इसका सही आंसर है अमेरिका। ठीक है, सूचकांक में भारत के स्थान चौथा रहा है। नंबर वन पे कौन है? अमेरिका है। सबसे कम शक्तिशाली देश कौन है? भूटान है। कौन सा देश है? भूटान है। क्वेश्चन नंबर 80 है, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट झुकुई 2 किस देश ने लॉन्च किया है? कौन सा है? झुकुई। और किससे उड़ने वाला है? मीथेन से उड़ने वाला। किसने लॉन्च किया है? चीन ने। देखिए, नया नया काम कौन करता है? चीन ही करता है। अगर कोई नया क्वेश्चन लगे तो ज़रूर चीन को ही लगाना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले डिटेल देख लीजिए। चीन की निजी कंपनी कौन लैंड स्पेस, ये निजी कंपनी है, दुनिया के पहले मीथेन से लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इससे पहले चीन ने अप्रैल 2023 में केरोसिन ऑक्सीजन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। देखिए, इससे पहले इसने केरोसिन ऑक्सीजन से और अभी जो करा है वो मीथेन से। ठीक है, दोनों कराए ना, तो चीनी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। किसे? नरेंद्र मोदी को। किसे? नरेंद्र मोदी को। देखिए, जो डिटेल है वो है, लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रेलवे सुरक्षा बल RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मनोज यादव। कौन बने हैं? मनोज यादव। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मनोज यादव बने हैं। और RPFS की फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1872। कब हुई थी? 2 जुलाई 1872 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला मुख्य प्रमुख कौन बनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लीसा फ्रेंचेटी। देखिए, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। USA की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। करेंसी है अमेरिकन डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है? जे बाइडन है, जो बाइडन। और कितने नंबर के हैं? 46वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, 2024 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्राज़ील। कौन सा देश? ब्राज़ील करेगा। और इसका 20वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका में होगा। कब होगा? 2025 में। 18वां संस्करण 2023 में कहाँ हुआ है? भारत में हुआ था। कहाँ हुआ? भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंगापुर। कौन रहा है? सिंगापुर। और भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान है 80वां। ठीक है, भारत का स्थान क्या है? 80। और जो भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन, इसका स्थान है 63वां, श्रीलंका 95, बांग्लादेश 96 और पाकिस्तान का कितना है? 100। ठीक है, पाकिस्तान आराम से याद हो जाएगा, 100, और भारत 80। आपको ज़्यादा याद ना हो तो कम से कम भारत का याद रखिए, और जो नंबर वन पे है उसका याद रखिए। ठीक है, और सबसे कम शक्तिशाली पासवर्ड अफगानिस्तान। ठीक, और इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है हैनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। याद कर लेना फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसे किसने जारी किया है, कौन जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। किसे? नरेंद्र मोदी। कौन सा है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। और ये कहाँ का है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। कौन से नंबर के? पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 87 है, विंबलडन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब इनमें से किसने अपने नाम किया है? किसने विंबलडन 2023 के महिला सिंगल का खिताब किसने अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्केटा बंद्रोसोवा। मार्केटा बंद्रोसोवा इसका सही आंसर है ए। और इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात हाई कोर्ट। बी इसका सही आंसर है, गुजरात हाई कोर्ट। और जो तेलंगाना उच्च न्यायालय के हैं वो हैं आलोक अराधे, उड़ीसा उच्च न्यायालय के सुभाषिस तालापात्रा, केरल उच्च न्यायालय के जितेंद्र देसाई। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखिए, और भूमि सम्मान क्यों दिया गया है? भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिलों के अध्यक्षों और 9 सचिवों को भूमि सम्मान प्रदान किया गया है, याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 90 है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अंशुमन झिंगरन। कौन? अंशुमन झिंगरन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। और उत्तरी चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? एल्विस अली हजारिका। कौन थे? एल्विस अली हजारिका थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, साउथ जोन ने। किसने? साउथ जोन ने। ए इसका सही आंसर है, साउथ जोन ने फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिलीप ट्रॉफी 2023 के खिताब पर कब्जा किया है। टीम ने फाइनल में बेस्ट जोन को 75 रनों से हराया है। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 है, हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। कहाँ मनाया गया? गोवा में। हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में मनाया गया। गोवा के मार्सेल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय चिखल कालो यानी कि कीचड़ महोत्सव उत्सव शुभारंभ किया गया। देखिए, चिखल कालो को क्या बोलते हैं? कीचड़ महोत्सव भी बोलते हैं। कहाँ मनाया गया? गोवा में मनाया गया। और कितने दिवस का होता है? 3 दिन का। क्वेश्चन नंबर 93 है, एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गिद्ध द स्केवेंजर। डी इसका सही आंसर है, गिद्ध द स्केवेंजर। ठीक है, एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? गिद्ध द स्केवेंजर। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है, अभिनेता संजय मिश्रा की शॉर्ट फिल्म गिद्ध द स्केवेंजर ने शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एशिया 2023 इवेंट में एशिया इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का खिताब जीता है, याद कर लेना। किसकी फिल्म है? संजय मिश्रा की फिल्म है। और कैसी है? शॉर्ट फिल्म है। नाम क्या है? गिद्ध द स्केवेंजर। ठीक है, इसने क्या जीता है? एशिया इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का खिताब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आधव अर्जुन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आधव अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 95 है, लुसाने डायमंड टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया है। और कितने दूर भाला फेंका? 87.66 मीटर दूर भाला फेंककर पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मेरी कॉम। किसे? मेरी कॉम। भारत की ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है 97, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, संकरी चंद्रन को। किसे? संकरी चंद्रन को। क्वेश्चन नंबर और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, संकरी चंद्रन को उनके उपन्यास, कौन सा उपन्यास है? चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स। कौन सा? चाय टाइम
इट्स नामन गार्डन्स के लिए माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में ICC द्वारा किसे बर्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शाहरुख खान। किसे? शाहरुख खान को। हाल ही में ICC द्वारा किसे बर्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? शाहरुख खान को। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया? किसे? आथूर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु। और जो है अलग डिंडीगुल ताले, कंडागी साड़ी, श्री बिल्ली पुत्र, पालकोप, ठीक है, ये और हैं GI टैग जो तमिलनाडु से रिलेटेड हैं, याद कर लेना, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में किस राज्य के आजीविका मिशन को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। बी इसका सही आंसर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के आजीविका मिशन को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो इसकी राजधानी है श्रीनगर और जम्मू है। देखिए श्रीनगर मई से अक्टूबर तक रहती है और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक रहती है। इसके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है। देखिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।